नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेवाड़ी जिले के बारे में चर्चा करेंगे। रेवाड़ी जिला भारत के हरियाणा राज्य के 22 जिलों में से एक है। इसे 1 नवंबर 1989 को हरियाणा सरकार द्वारा गुड़गांव जिले से अलग कर एक नया जिला बनाया गया था। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा भी है। जिले का मुख्यालय रेवाड़ी शहर में स्थित है, जो जिले का सबसे बड़ा शहर भी है। हर जगह की तरह रेवाड़ी के नाम के संदर्भ में भी एक दिलचस्प कहानी है। जिले के मूल निवासियों का मानना है कि महाभारत काल में रेवत नाम के राजा हुआ करते थे, जिनकी रेवती नाम की बेटी थी। उनके पिता उन्हें प्यार से रीवा कहकर बुलाते थे। फिर उन्होंने एक स्थान की स्थापना की और उस स्थान का नाम अपनी पुत्री के नाम पर रीवावाड़ी रखा। चूँकि रीवा का विवाह भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम से हुआ था, इसलिए राजा ने अपनी बेटी को उपहार के रूप में रेवाड़ी स्थान दिया। समय बीतने के साथ साथ रेवाड़ी का नाम रेवाड़ी हो गया। यह राज्य की राजधानी चंडीगढ़ से करीब 335 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से जिले का कुल क्षेत्रफल 1594 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल के आधार पर राज्य में यह 13वें तथा भारत में 537वें स्थान पर है। जिले को 3 उपजिलों अर्थात कोसली, बावल और धारूढ़ेहा में विभाजित किया गया है। इसके अलावा इसमें 9 कस्बे और 403 गांव शामिल हैं। रेवाड़ी, कोसली, बावल, पालवास और नाहर जिले की तहसीलें हैं। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार रेवाड़ी जिले की जनसंख्या करीब 9,332 थी। रेवाड़ी जिले में हर 1,000 पुरुषों पर 898 महिलाओं का लिंग अनुपात है। जिले की प्रमुख भाषा हिंदी है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो आर्थिक रूप से उद्योग जिले के लोगों के लिए आय का प्रमुख स्रोत है। रेवाड़ी अपने धातु कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत में पीतल का केंद्र है। यहाँ प्रमुख रूप से दाल, मक्का, ग्वार, गेहूँ, चना और सरसों उगाई जाती हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की साक्षरता दर 80.99% है। जिले में कई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज और बीएड कॉलेज हैं। मुख्य संस्थानों के नाम गवर्नमेंट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हिंदू हाई स्कूल, अहिर कॉलेज, किशनलाल पब्लिक कॉलेज, शिशुशाला और केंद्रीय विद्यालय हैं। अगर हम आकर्षण के केंद्रों के बारे में बात करें तो यह जिला कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों वाला स्थान है। यह स्थान है लाल मस्जिद, बाघ वाला तालाब, बड़ा तालाब, घंटेश्वर मंदिर, भागवत भक्ति आश्रम। लाल मस्जिद का निर्माण 1570 में मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। बाघ वाला तालाब का निर्माण राव गुज्जरमल के पुत्र राम अहिर ने करवाया था। इसमें फिलहाल पानी नहीं है। बड़ा तालाब को राव तेज सिंह के नाम पर राव तेज सिंह तालाब भी कहा जाता है। इसका निर्माण राव तेज सिंह ने 1810 से 1815 की अवधि में के दौरान करवाया था। यह पुराने टाउन हॉल के निकट स्थित है। खोल में बाबा भैरवनाथ का मंदिर, दरौली में स्वामी शरणानंद का मंदिर, बलवारी गांव में बाबा पुरुषोत्तम दास का आश्रम, संगवाड़ी गांव में बाबा रघुनाथ का मंदिर और भरवा गांव में बाबा मोहनदास का मंदिर इस स्थान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं। अगर हम यातायात की बात करें तो रेवाड़ी जिला रेल नेटवर्क और बस के माध्यम से देश के अन्य शहरों से काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दिल्ली सराय कालेखान ISBT से रेवाड़ी तक की दूरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 से करीब 95 किलोमीटर है। दिल्ली सराय कालेखान ISBT से गुड़गांव होते हुए हर 15 मिनट में रेवाड़ी के लिए बसें उपलब्ध हैं। रेवाड़ी जंक्शन एक अच्छे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। रानीखेत, अजमेर शताब्दी, पोरबंदर एक्सप्रेस, आश्रम एक्सप्रेस कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो जंक्शन पर आकर रुकती हैं।